ये क्वालिटीज और एबिलिटीज अल्लाह ने हमारे अंदर इंस्टिल और इनकलकेट करके हमें भेजा। तो ये भरपूर अपने ऊपर एतमाद भी रखिए, और इस एतमाद के साथ अगर आप जीरो भी हैं, मुझे यकीन है कि आप में से कोई जीरो नहीं है, लेकिन ये जुमला भी सर मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ से सीखा था। मेरा दिल करता था कि मुझे कोई आके ऐसे कहे कि तुम अगर जीरो भी हो तो मैं तुम्हें उंगली पकड़ के मैं तुम्हारे डिजायर्ड ड्रीम तक तुम्हें पहुंचा दूं, उसकी ताबीर तुम्हें दे दूं। तो बाजू का दिल करता है ना कोई कहे, आप अपने आप को तनहा या अकेला महसूस कर रहे होते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये टीचर्स का अगेन ये एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि आप अपने बच्चों को ये जरूर कहते हैं। मैं आप तमाम बच्चों को अपनी ज़िंदगी का जो 20-25 साल का मेरा तजर्बा है इसी दश्त की सयाही में ये सब वक्त गुजरा है, उसमें जो स्टूडेंट्स के साथ मैंने इंटरेक्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी स्टूडेंट्स के साथ काम करने का बड़ा मौका मिला है। एंड देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो पास आउट हुए और अब डिफरेंट करियर्स में अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। तो मैं वो उन स्टूडेंट्स के तजर्बे के बुनियाद पर आपको ये बात कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि अगर आप जीरो भी हैं तो आज आए हम आपकी उंगली पकड़ते हैं और आपको लेके आगे चलते हैं इंशाल्लाह। तो ये इस एतबार से ये तीन पांच स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन इज नो योर सेल्फ। हम जानते ही नहीं है, कभी अपने आप से पूछे जिंदगी में मुझे हाथ खड़ा करके बताए किसी ने बैठ कर 5 मिनट के लिए सोचा हो कि मैं कौन? रेज योर हैंड्स प्लीज। माशाल्लाह माशाल्लाह आई एम हैप्पी के 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 माशाल्लाह आप कुछ और हाथ खड़े होने शुरू हुए। दैट्स इनकरेजिंग, दैट्स रियली ग्रेट। अगर आपने वाकई अपनी जिंदगी में बेटा थैंक यू वेरी मच थैंक यू, अगर आपने अपने आप से ये सवाल पूछा है तो आपको इसके दोनों जवाब मिले होंगे। एक वो वाला जवाब अशरफुल मखलूकात वाला कि वी आर पैक्ड विद एनर्जीज, वी हैव इमेंस एनर्जीज विद अस। हम जिंदगी में हर बड़ा काम करना सीख सकते हैं, और ये खावा भाई ये तहकीक हुई है, तहकीक ने ये नहीं कहा कि हर काम जो आप कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूँ, उन्होंने कहा जो आप कर सकते हैं मैं वो करना सीख सकता हूँ। इतना फर्क जरूर अल्लाह ताला ने तनवो के लिए, अल्लाह ताला ने ये जो पिरामिड ऑफ दिस सोसाइटी बनानी थी इसमें ये नहीं है कि हम सबको बिल्कुल बराबर फुटे पे लीक लगा के बराबर बना दिया, ऐसा नहीं है। हम सबका अपना सांचा है, लेकिन हम सबके पास कुछ यूनिक जरूर मौजूद है, और जो काम आप कर सकते हैं मैं वो काम करना सीख सकता हूँ। फर्क सिर्फ ये है कि मुझे जरा ज्यादा वक्त लग जाएगा आप तक पहुंचने में, आप बहुत काबिल हैं बहुत लायक हैं, तो मुझे शायद मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, मुझे उसके लिए बहुत वो, लेकिन ये मौजूद है, ये कॉन्फिडेंस हमारे बच्चों के लिए मौजूद है कि हम जिंदगी में हर वो काम जो एक शख्स कर रहा है वो दूसरा शख्स उसको करना सीख सकता है। इट मे टेक अ लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ फिजिकल एनर्जी, लॉट ऑफ मेंटल एनर्जी, वो सब कुछ रिक्वायर्ड होगा। तो पहले नो योर सेल्फ। इसमें एक वो मूवी भी थी जैकी चैन की, हु एम आई, वो मुझे जुमला बड़ा उसका जो टाइटल था मूवी का बड़ा पसंद था कि हु एम आई, अपने आप से पूछे जरूर मैं कौन हूँ। जब आप ये पूछेंगे तो आपको इसके दोनों एंगल्स नजर आएंगे, एक वो भरपूर एंगल एनर्जी से भरा हुआ, और दूसरा एंगल कि मैं इसके साथ क्या सलूक कर रहा हूँ, क्या मैं सही डायरेक्शन पे हूँ या नहीं। अगर आप ये हासिल कर रहे हैं और ये आप गेन कर रहे हैं तो आप यकीन कीजिए कि फिर आप जिंदगी में कभी डिट्रैक्ट नहीं होने वाले। तो पहला काम ये कि नो योर सेल्फ। मैं इस एक बात के ऊपर 2 घंटे मजीद बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि आज का वक्त बड़ा कीमती, एक पूरा भरपूर सेशन है। मैं इतना ही अमानत के तौर पे आप पे छोड़ के जा रहा हूँ, बस इसके साथ इंसाफ करना। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि वो सुरमा मुफ्त नजर हूँ, मेरी कीमत बस ये है कि रहे चश्मे खरीदार पे एहसान मेरा। तो यहाँ ऐसा नहीं है, हम कोई एहसान मंदी भी नहीं चाहते आपसे, हम ये चाहते हैं कि जो हमने आपकी खिदमत में सुरमा पेश की है इसको आप इस्तेमाल जरूर करें, इसको आप अपनी अपनी आंखों की जो है ना ज़ेबाइश के लिए इस्तेमाल जरूर करें। तो ये जो गुजारिशात हैं इनको तमाम स्टूडेंट्स तमाम ऑडियंस से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इसको घर जाके कोई 10 मिनट की एक रिकॉलिंग सेशन देते हैं तो यू विल फाइंड अ लॉट मोर देन व्हाट यू हैव फाउंड हियर इन दिस सेशन। ये मेरा आपसे बड़ा कॉन्फिडेंट मेरा प्रॉमिस है आपके सामने, क्योंकि जब आप अपने साथ इन बातों पर एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो फिर आपके पोटेंशियल सामने आ रहे होंगे। अभी तो हम सब इकट्ठे बैठे हुए और एक गुफ्तगू हो रही है, और गुफ्तगू तो गुफ्तगू होती है ना, वो तो गुफ्तगू साउंड वेव्स होती हैं थ्रू एयर मीडियम ट्रेवल कर रही हैं, ये मेरे वोकल कॉर्ड से कुछ इरताश हो रहा है, और आपको पता है ना ये पूरा प्रोसेस कम्युनिकेशन का कैसे होता है। तो ये जो साउंड वेव्स हैं ये एयर मीडियम से ट्रेवल कर रही हैं, आपके ईयर ड्रम से जाकर टकरा रही हैं, और ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तहलील हो जाएगा। लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट हमने अपने साथ घर लेके गए और हमने इसको रिकॉल किया तो फिर ये साउंड वेव्स तहलका मचा देंगी, फिर ये सुपरसोनिक जेट बना देंगे आपको इंशाल्लाह। तो प्लीज इसको इसको जरूर रिकॉल करना है आपने, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है जो मैं आपसे ले रहा हूं। नो योर सेल्फ, सेट योर टारगेट। जिंदगी बेमकसद कुछ भी नहीं,
अगर आपका टारगेट नहीं, आपका भरपूर मोटिवेशन है लेकिन आपका टारगेट ये जाना किधर है, अगेन वो डायरेक्शन वाली बात, तो आप यू विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो सेट योर टारगेट इज नंबर टू. जरूर टारगेट सेट करें और बड़ा टारगेट सेट करें. टारगेट हमेशा बड़ा होता है, जो छोटे छोटे उसके सेगमेंट्स होते हैं, गोल्स होते हैं कि मैंने एफएससी में कितने नंबर लेने हैं, मैंने फर्स्ट ईयर में कितने नंबर लेने हैं, फिजिक्स में कितने नंबर लेने हैं. आपको क्रैक डाउन करना पड़ेगा साइंटिफिकली और ये इसमें टिप्स आपको हेल्प करता है इंशाल्लाह, वो आपको हेल्प करेगा इसमें. ये मेरी टीचर से भी रिक्वेस्ट है, साथ से भी, हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन से भी, कि बच्चों को ये जरूर रोशनास कराएं. वो जो बड़ा टारगेट है, उन्होंने डॉक्टर बनना है, उन्होंने इंजीनियर बनना है, उन्होंने एंटरप्रेन्योर बनना है, उन्होंने बिजनेसमैन बनना है, उन्होंने स्पोर्ट्समैन बनना है, उन्होंने आर्टिस्ट बनना है. आप यकीन करें, मैंने जिंदगी की इतनी 20-25 साल में मुझे बहुत मौका मिला कि इसके प्लेटफॉर्म से, जैसे मैंने पहले कहा, मैं दुनिया से बाहर भी गया, मैंने देखा है कि टॉप स्लॉट इज ऑलवेज वेकेंट. हम मैं किप्स के, अगर एज एमडी किप्स में ये बात करूं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल हैं जिनमें 6 figures का पैकेज है, 1 lakh से ऊपर का पैकेज है. हंड्रेड ऑफ वैकेंसीज, वी आर अनएबल टू फाइंड द राइट पर्सन. कह तो रिजाल है, आप अपने इर्द गिर्द देखते होंगे. तो ये आप लोगों के लिए, जो आप माशाल्लाह पैक्ड विद एनर्जीज में बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी पॉजिटिव बात है कि आगे फ्यूचर में ऐसा नहीं है कि आईटी ने टेक ओवर कर दिया तो ह्यूमंस जो हैं वो क्या कहते हैं कि रिप्लेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है. ह्यूमंस हमेशा टॉप पे रहेंगे क्योंकि अल्लाह ने उनको अशरफुल मखलूकात बनाया, उन रोबोट्स को भी इन्होंने चलाना है, उन्होंने बनाना है. तो जो टॉप स्लॉट है वो खाली है, चाहे आपने एम ए इस्लामियत में, जब बच्चे कहते हैं एम ए इस्लामियत, मैं कहता हूँ पहला तो इसमें फ़ख्र है, इसके नाम के साथ इस्लाम आता है, तो इसको तो आप बिल्कुल बॉटम प्लेस ना करें कि जी ये तो शायद सबसे बॉटम पे, माजरत के साथ, वो आपका एक करियर ऑप्शन है. भाई एम ए इस्लामियत जो गोल्ड मेडलिस्ट है उसको भी घर पर जॉब ऑफर होती है. यू नीड योर ब्रेन, यू नीड द राइट डायरेक्शन, यू नीड ऑल दिस जिसकी हम आज बात करें. तो नो योर सेल्फ, उसके दोनों डायमेंशन, आपने वो दोनों डायमेंशन, आप कौन हैं और आप क्या कर रहे हैं. अपने सब्जेक्ट्स के एतबार से भी करें. नबील साहब आप करते हैं, मेरे ख्याल बच्चों को ये जरूर कराएं, इनको एनालिसिस दें. इस पर अलग से एक मीटिंग रखें सर, मुझे याद आ गई ये बात कि हम बच्चों को एक पूरा एनालिसिस चार्ट बना के दें. एफएससी का पूरा कोर्स है, उसका चार्ट बना हुआ, चैप्टर वन के आगे जो है 5 columns बनाएं. पहले कॉलम में पहली रिवीजन के ऊपर बच्चा अपना एनालिसिस करे, मुझे कितना आता है, क्या आता है, क्या नहीं आता. हर टॉपिक वाइज और सब टॉपिक वाइज ये चार्ट बनाना चाहिए. आप देखें बच्चे कैसे सेल्फ ड्रिवन होते हैं, इनको जिंदगी में इसके बाद कभी मोटिवेशनल टॉक की जरूरत नहीं होगी. आज तो हमने बड़ा झंझोड़ के इनको, वो क्या कहते हैं, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मना दी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी. तो आज तो हमने ये काम किया, लेकिन ये सेल्फ मोटिवेटेड होंगे अगर ये चार्ट इनके पास मौजूद हो. तो मैं वापस अपने पॉइंट पे आता हूँ कि जी सेट योर टारगेट. पहली बात, नो योर सेल्फ, कितने आते हैं, नो योर सेल्फ में एकेडमिकली भी क्या आता है क्या नहीं आता. और मैंने कहा आज का दिन है 0 के ऊपर. अब आप मुझे 10 दिन के बाद कहेंगे तो वो कहते हैं ना कि इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. तो जब वक्त गुजरता जा रहा है बहुत मुश्किल होता जाएगा आगे चलकर इसको पकड़ना. लेकिन आज इन द बिगनिंग, इन द वेरी बिगनिंग ऑफ योर एफएससी, आप 0 पे भी हैं, ये मैंने मिसाल दी है, आप में से कोई भी 0 पे नहीं है मुझे यकीन है, लेकिन आप 0 पे भी हैं तो हम आपकी उंगली पकड़ के आपको आगे लेके चलते हैं. तो पहली बात, अगेन नो योर सेल्फ, एकेडेमिकली भी नो करें, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी पहचानें, सेट योर टारगेट. नंबर 3 इज कीप इट अलाइव. ये तीसरा बड़ा चैलेंज है हमारे बच्चों का कि वो एक दफा इस मोटिवेशनल टॉक में इंप्रेस भी हो जाते हैं, इंस्पायर भी हो जाते हैं, मोटिवेटेड भी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जी ठीक है, हम लोग अब अपने आप को नो भी करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे, टारगेट भी सेट कर लेंगे. लेकिन टारगेट बहुत जल्दी मर जाता है, इसको मरने ना दें. अगर आपने डॉक्टर बनना है, अपने घर में, अपने लिविंग रूम के अंदर एक चार्ट पेपर के ऊपर डॉक्टर लिख के आप लगा लें अपने साथ. ये वो काबिल है, वो कहते हैं कि जिनके लिए आपको सोने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये वो ख्वाब है जो आपको सोने नहीं देते. एग्जैक्टली ये वो बात है कि कीप इट अलाइव, इस टारगेट को अलाइव रखें तो कमाल हो जाएगा. आप देखें कि हम में से आम तौर पे जब हम कोई गुनाह करते हैं, हमारे देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक दिल के अंदर, मोमिन के दिल के अंदर, सर ये मफहूम है, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ फरमाए, कि एक मोमिन के दिल के अंदर एक ही वक्त में ईमान और झूठ और इस तरह की बहुत सारी रज़ाइल की बात की गई है कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते. तो जब हम वो गलत एक्ट कर रहे होते हैं तो वक्ती तौर पर हमने क्या किया होता है, हम वक्ती तौर पर उस ईमान के ऊपर जरा थोड़ी सी गर्द डाल देते हैं, उस पर कोई पर्दा डाल देते हैं, उससे हमारी नज़रों से वो ओझल हो जाता है. ये वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि वो टारगेट सेट भी कर लेते हैं हमारे साथ बैठ के, लेकिन उसको जिंदा नहीं रख पाते और वो उस जगह से उनकी मोटिवेशन डाई डाउन हो जाती है. नंबर 4 इज स्टार्ट अर्ली, दैट इज द बिगेस्ट थिंग. जल्दी स्टार्ट करना लाइफ में आपको बहुत हेल्प करता है. ये वही खरगोश और कछुए वाली बात है,
अगर आप मुझसे बहुत लाइक हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो और आप मुझसे बहुत तेज भागते हैं, तो मेरे पास वाहिद एक हल है कि मैं आपको कम्पीट करूं, कि मैं आपसे पहले चलना शुरू करूं। मैं कछुआ भी हूं तो मैं आपको फाइट कर जाऊंगा अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट से और अर्ली स्टार्ट करने से। तो नंबर फोर पॉइंट इज अर्ली स्टार्ट, और ये हर हवाले से है। जैसे ये मैंने अभी कहा कि हमारे बच्चे इंशाल्लाह ये जो आईकॉम बिजनेस हमने इंट्रोड्यूस कराया है, जिसका मकसद यही है कि मेडिकल प्री इंजीनियरिंग वाले तो बहुत फोकस्ड होते हैं अपने उस प्रोफेशन के एतबार से, लेकिन ये जो काम है आपका इस पर्टिकुलर आईकॉम और उसमें एफए जो बच्चे कर रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शन नजर नहीं आ रहे होते। तो वाई डोंट वी मेक देम राइट नाउ द एंटरप्रेन्योर। जब वो एफएससी करके निकले तो वो सिक्स फिगर्स में अर्न कर रहे हैं, और ये बिल्कुल मुमकिन है। इसमें आईकॉम बिजनेस में हम कर क्या रहे हैं, फ्रीलांस इनको थोड़ा सा सिखाएंगे, इनको ईबे, इनको अमेजोन, इस सब की इनको ट्रेडिंग सिखाएंगे, ये पूरे कॉन्सेप्ट्स इनको देंगे। तो मैं समझता हूँ कि इससे ये वो एंटरप्रेन्योरशिप की उस पहली सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे, जहाँ से आगे फिर मतलब फिर एंडलेस है वो जो टारगेट्स हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम। तो नो योर सेल्फ, सेट योर टारगेट, कीप इट अलाइव, स्टार्ट अर्ली, हर एतबार से स्टार्ट अर्ली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बी कंसिस्टेंट। आई थैंक यू ऑल, आपने बड़ी पेशेंस से मेरी गुफ्तगू सुनी, बहुत कुछ मेरे जहन में तरतीब पाता गया और मैं तरतीब उसकी लूज करता गया, मैंने आपका बहुत ज्यादा वक्त लिया। आई वॉज रियली चार्ज टू सी यू। जब मैं एंटर हो रहा था तो जितनी एनर्जी मैंने इस पूरी ऑडियंस में देखी, आज मैं सही मानों में अगर कहूँ तो आपकी इस एनर्जी ने मेरे मुझे भी मुतजलजल कर दिया है और मुझे भी हिला के रख दिया है, और मेरे अंदर एक डिफरेंट एनर्जी भी आपसे हासिल हुई है। लेकिन मैं आज अपनी तकरीर में उतनी अच्छी क्या कहते हैं कि तरतीब मेंटेन नहीं कर पाया आप लोगों के इस मोटिवेशन और आप लोगों के जज्बात से भरे हुए इस पूरे माहौल की वजह से। आई थैंक यू ऑल फॉर योर वैल्यूएबल पार्टिसिपेशन। विल मूव ऑन विद दिस सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।